स्वागत है आपका यश न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं तौसीफ इकबाल और आप देख रहे हैं एस न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस। इस समय मैं विजयपुर शहर के केसी मार्केट में खड़ा हूं, जो कि विजयपुर शहर का काफी पुराना और काफी मसरूफ मार्केटों में से एक माना जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कल रात चलते बारिश के कारण विजयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में जिस प्रकार की पानी की समस्या हुई है, वही समस्या यहाँ पर भी देखी जा सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पानी जो है यहाँ पे काफी बहाव के साथ बह रहा है और इस बारिश को शुरू हुए लगभग 24 घंटे गुजर चुके हैं और रात के लगभग 3:30-4 बजे के आसपास जो है बारिश रुकी थी और अब तक जो है ये पानी बहता ही जा रहा है। पानी रोकने की कोई व्यवस्था, ठोस व्यवस्था नहीं हुई है। सुबह से हम लोग शहर के विभिन्न इलाकों में घूम रहे हैं, जहां पर हमने देखा कि सिटी कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं और मेयर हैं, उपमेयर हैं और पूर्व कुछ कॉरपोरेटर्स भी हैं, जो विजयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर वहां पर राहत कार्य करने की जो है कोशिश कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, सर्वेस करवा रहे हैं और कुछ एक जगह पेम्पसेट भी लगाए जा चुके हैं। इस प्रकार के कार्य और काम तो चल ही रहे हैं, किंतु अभी भी ऐसे काफी जगह बाकी हैं जहां पर किसी भी प्रकार का राहत कार्य नहीं हुआ है। कुछ समय पहले मैं रिपोर्ट कर रहा था नौबा के एरिया से, जो वहां से जो पानी निकल रहा था, आप देख सकते हैं कि ये जो पानी यहां से जा रहा है, ये वही पानी है जो नौबाग से होते हुए यहां पर जो जजिस के जो घर हैं वहां से उस कॉलोनी के अंदर से होते हुए केसी मार्केट से गुजर रहा है। इस पानी को गुजरते यहाँ पर लगभग 24 घंटे होने को है, बारिश तो रुक चुकी है और अब हालत ऐसे है कि आज रात भी बारिश होने की आशंका है। बादल काफी गहरे हैं, हो सकता है कि रात भर भी बारिश हो और इस बारिश को रुके तो समय काफी गुजर चुका है, लेकिन पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते यहाँ के जो दुकानदार हैं, चूंकि ये मार्केट का एरिया है, यहाँ पर लोगों को आना जाना है, लोगों की खरीदारी है, काफी सारे लोग अपनी जरूरतों के लिए यहाँ पर आते हैं और साथ ही साथ दुकानदार भी जो है अपना बिजनेस करने के लिए, अपना धंधा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इस बारिश और इस पानी के चलते इन सभी लोगों को परेशानी हो रही है। जिन लोगों को कुछ सामान खरीदना है उन्हें भी परेशानी हो रही है और जो यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो भी काफी परेशान हैं। हमारे साथ इस समय यहाँ के इस केसी मार्केट के एरिया के काफी सारे दुकानदार भी खड़े हैं। चलिए उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, कि उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है एमएस मठ, केसी मार्केट अध्यक्ष। ये हमारे साथ जो है एमएस मठ साहब खड़े हैं, जो कि इस केसी मार्केट के बिजनेस अध्यक्ष भी हैं। तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि सर, आप नगर है, वो खाजा जी नगर है, वो सब देखे तो हम वहीं से ड्रोन से वो पिक्चर जो बताया है, बहुत बहुत ये डेंजर है। ये पानी वैसा ये भर के टेरेस वो देखे तो घर में पानी 3-3, 4-4 फुट के है, इसलिए हमें सहन शक्ति लेके हम पानी जाने के लिए वो ये है जा रहे हैं। सुबह से 6 बजे से ये हो रही है, रात 9 बजे से ये बेहतर पानी। एक आदमी गए थे भी ये जाता था, पानी में जाता था, इतना ये प्रेशर के साथ पानी आ रहे थे। और भी रात में बोले कमिश्नर साहब को, सुबह सुबह 6 बजे से एक गटर क्लीन करने के लिए वो हम उसके नौकर को भेजे थे। और भी हम 3 बजे और फोन किया, उधर भी साफ किया है। और ये किस वजह से होना ये पता लगना है बोले तो वो अधिकारियों के जज बंगले है, जो जज साहब की बंगले है वहां से खुला है, ओपन गटर है। जब कपड़ा वो बंद के बड़े बड़े गड्ढे लाके उधर सड़ता है, वो अंदर जाके सपड़ के से पानी वो इसके ऊपर जमीन के ऊपर आता है, चरंडी के गटर के वो ऊपर पानी जाने का सरल अच्छा है तो 8 फुट के ये है, डीप है ये गटर जो है हमारी केसी मार्केट का, 6-7 फुट डीप गटर है। और भी अच्छा साफ किया तो ये जमीन के ऊपर कितना पानी रहे तो भी जमीन के ऊपर नहीं आता, रोड के ऊपर नहीं आता, सिवाय वो कृपा करके ये सब साफ करना भी। और वो ओपन जो जट साहब की घर के सामने जो गटर है, ओपन गटर को वो सीट डाल के सीमेंट सीट डाल के वो सब कचरा जो सटने का वो बंदोबस्त करना होता। वो जो बस स्टैंड के जो दीवार के साथ लगी हुई जो गटर है वो ओपन गटर है, वो मेन उसके सीट डाल के वो बंद करना, तो कचरा है वो
ये कपड़ा हो, वो प्लास्टिक बॉटल हो, जो सब गटर ब्लॉक नहीं होंगे। हाँ, गटर ब्लॉक होके यही हालत हो, यही है, इस वजह से हालत होता है। तो अधिकारी, इसके संबंधित अधिकारी जो है, ये जरूरत इधर देख के वो भी, और ये साफ सुबह से ये ऐसा पानी आते रहे तो वो हमारे पेपर भी एक नहीं होता। आज भी सुबह आए सो इतना पानी दे के बैठे सिवा ये पेपर नहीं होगी। रुपया करके ये गटर साफ करके हम ना को ये पानी सरल जाने का व्यवस्था करके ये करना करके हमारी केसी मार्केट के विनंती है, आग्रह करता है, आपको आग्रह करता है जरूर से जल्द ये इंतजाम करिए, ये पानी का बंदोबस्त करिए तो हमारी व्यापार अच्छा चलता है। तो बस स्टैंड से मेन रोड है, इधर पर्दे गांव वाले इधर जाता आता है, आजू बाजू के खेड़े गांव वाले, खेड़े गांव वाले है, नन्ना मुन्ना बच्चा है सब, गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चंदा जाता है इधर, वो सब तकलीफ होता है। तो ये देखे तो एक एक वो सीट खोल के पड़ा हुआ है, वो तो अंदर रात में जो आदमी आता है मालूम रहे तो आदमी उधर में घुस जा गया तो जान खतरा है। जल्द से जल्द इधर से देख के जरूरत ये इसका बंदोबस्त करना, इसके क्या जो हो गई है वो स्वच्छता और ये क्लीन करके हम ना को ये इसको ये राहत देना कर को आपके पास विनंती है। कि आप लोगों की जो है महानगर पालिका के किसी अधिकारी से या कमिश्नर साहब से किसी से बात हुई है? अभी तो इस बारे में कुछ बात नहीं हुई किसी से भी। हम किया तो एक अधिकारी के पास किया है, वो तो अर्जी लिख के उन्होंने एक राह बताया, तुम आने का जरूरत नहीं है, तो अर्जी लिख के हम ना को व्हाट्सएप में डालो, करके व्हाट्सएप में डाले तुरंत दो आदमी को भेजा था, भेजे थे। और भी उधर खाजाजी नगर में जो लोग है पानी जमा है वहाँ जमा है तो जोरदार उधर ये किया है प्रेशर डाले सो, इसलिए इधर नौकर नहीं आया तो, लेकिन दो लोग आए थे, दो लोग आए थे और भी कल वो पहले वो घर उसमें डूबा था, वहाँ पे घर अभी भी घर डूबे हैं, मैं वहीं से आ रहा हूँ, उसके लिए हम भी देखना पड़ता है। तो ये कल तो ये इसका ये करना जरूरी है, जरूरी है सर, ये हर साल का है प्रॉब्लम, हाँ। इस साल एक साल का नहीं है, ये हर साल बरसात में ये प्रॉब्लम निकलता ही है यहाँ पे, जितने भी जगह पानी जम रहा है हमने सभी लोगों से पूछा, सबका यही कहना है कि हर साल इस प्रकार की जो है स्थिति पैदा होती है। हाँ, ये बहुत बड़ा ये बीमारी क्या है वो मालूम पड़ना बोले तो हमना को पूछना चाहिए, जो अधिकारी है तो हमना को बोले तो बताता है, वो उसका हल निकालता है, अच्छे हल निकालता है, यही मेरी विनती है। जब से गटर बना है उनको मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो कचरा आता है मेन, वहाँ पे एक जाली लगाई है, तो वो जाली लगाने के लिए भी तैयार नहीं है चीजों का। अगर देखा जाए तो जब से मैं देख रहा हूँ, केसी मार्केट एक ऐसा इलाका है जहाँ पर जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे पानी जमता ही है, केसी मार्केट, मीनाक्षी चौक, शापेटी, कुछ एक बीजापुर में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी जमता ही रहता है। मिडिल क्लास फैमिली के लोग रहते हैं यहाँ पे, यहाँ कोई बड़ा आदमी रहता नहीं है, आज रोजी रोटी हम लोगों यहीं से चलता है। हाँ, और ये हर साल का प्रॉब्लम है, इसको हल कैसा निकाला जाए बताओ, म्यूनसिपालिटी कोई आते नहीं है, फोन लगाना पड़ता है उनके लिए बार बार। ये भी तो बात है ना कि जब बारिश होती है और जब पानी जमता है तभी हम लोग भी जो है नागरिक के तौर पर तभी हम लोग भी जागते हैं, तो उसके बाद हम लोग भी भूल जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लग जाते हैं। कल रात में यहाँ से मैं 11 बजे घर में दुकान करता हूँ, दुकान के अंदर पानी गया था, काफी घरों में भी आया था। तो मैं ये भी आप सभी को बता दूं कि सुबह से मैं बीजा साफ करने का ऐसा तरीका है तो इधर ही सबके जाता है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। फिर उधर एक बंदे रिक्वेस्ट करके बोला था कि यहाँ से निकालो, इधर पकड़ो, ये रिक्वेस्ट करके मैंने बोला था यहाँ से थोड़ा जल्दी से निकाल लीजिए, कचरा वहाँ आएगा जाएगा नहीं, अंदर से कपड़ा ऊपर डालता है और उधर तो ये भी देखा जा सकता है कि ये भी कचरा यहीं पर जो है फंसा है। व्यापार का छोड़िए सर, देखिए एक नागरिक होने के नाते और इंसानियत के नाते मैं ये कहना जरूरी समझूंगा कि यहाँ पर तो केवल पानी जा रहा है। मैं जहाँ सुबह से मैंने विजयपुर शहर के विभिन्न इलाकों का मैंने दौरा किया, वहाँ पर देखा घरों में इतना पानी जा चुका है कि लोगों के घरों के चूल्हे पानी में डूबे हैं और वो कल रात से कुछ खाए भी नहीं है। ठीक है, तो प्रशासन हो नहीं, कॉरपोरेशन भी कोशिश कर रही है, हम ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं कर रहे हैं। कल्याण नगर बेल्ट की तरफ आता है, वहाँ मैं लगभग 30 साल जो पहले कुआ था
वो कुआ आज बाहर निकल गया, तीन पुरियाने रोड पानी रोड उखड़ के रख चला गया कल के। नहीं, ये ऐसी बारिश विजयपुर शहर में तो इतनी ज्यादा कभी कभार 10-15 साल में कभी एक आध बार होती है। इस बार ऐसे बारिश हुआ है यहाँ पे। जी जी, तो ये है कि हम ये नहीं कह सकते, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जो हमारी महानगर पालिका है वहाँ के जो अधिकारी हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं या अपना कमिश्नर साहब हैं, मेयर हैं, उप मेयर हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, जरूरत है वहाँ पे रोड होता नहीं है, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पे ऑलरेडी रोड। जो हल किधर है ढूंढ के निकल के किया तो ये मामला बराबर होता है, लेकिन तो उधर है इधर हाथ नहीं लेके। हमको पूछना चाहिए उन्होंने जो अधिकारी है, अपने अपने मान माने करे तो वो हमारे आखिर को यही होता है। तो हल किधर है, वो है उधर बंद करता है तो कचरा सड़ता है, वो कचरा सब भर के जाता है, इधर खारता है उधर भरता है। देखिए, नागरिक होने के नाते हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमें कचरा कहीं नजर आ रहा है तो हम लोग उनके उन तक ये इस खबर को पहुंचाएं या फेंकने वालों को फेंकने से मना करें, क्योंकि जब करने के गैर जाते हैं ना झगड़ा होता है, चार बार सुनने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, घर के सामने नहीं, ये तो सही है कि वहाँ पे जो है सीमेंट शीट डाल करके इतना इतना कपड़े के गंट ये गांडा निकले बोरी आ रही थी सामने, कार का जो फ्लोर रहता है वो तो निकल के आया बाहर से, किंतु काम चल रहा है, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर है। स्थिति फिलहाल शहर में इतनी गंभीर है कि शहर के लगभग काफी सारे इलाकों में इसी प्रकार की स्थिति है, तो काम हर जगह चल रहा है, कोशिश की जा रही है। और ये जो घटना हुई है, इतनी जो तेज बारिश हुई है, ये जैसे कि आप सभी लोगों ने भी कहा कि यह हर साल इतनी बारिश नहीं होती है, ये एक अनिवार्य सिचुएशन के तौर पर जो है ये हुआ है। तो हमारी भी आप सभी से, प्रशासन से, कॉरपोरेशन से और अधिकारियों से ये हमारी अपील भी है, हमारी गुहार है कि जहाँ पर भी शहर के जिस हिस्से में भी लोग पानी को लेकर के, पानी के बहाव को लेकर के या पानी के ठहरने के को लेकर के परेशान हैं, उन्हें जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। साथ ही साथ नागरिकों से भी हमारा ये निवेदन है कि हालात हैं ऐसे, एडजस्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे को जो है सहारा देना पड़ेगा, तभी जा करके जो है स्थिति जो है आसानी से कंट्रोल में आ सकती है। अगर हम लोग भी सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो आप उन घरों में जाकर देखिए जहाँ पर खाना भी नहीं पका है कल रात से। तो मैंने बात की एक बागवान कॉलोनी के पास, तो वहाँ के जो गली के लोग हैं, मोहल्ले के जो लोग हैं, वो लोग जिन जिन के घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है उनको मोहल्ले वाले खाना बना करके रात का खाना पहुँचाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। सर, मेरे घर में कल कुल 4 लोग फंसे थे, तो कल मैंने रात में घर पे सुलवाया उनको। जी, बच्ची थी, 25 साल बूढ़ी औरत थी, उनको घर पे पना दे के उनको रखा है। जी, जब तक बारिश कम ना हो जाए उनको घर पे रखा, उनको खाना ना खिलाया, छोड़ के ये चीज देखने में आई है कि इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं, नेचुरल कैलेमिटीज कहिए या जो भी है, तो ऐसे समय में इंसानियत जो है नजर आती है। जी, ये अच्छी बात है हमारे शहर की भी और हमारे देश की भी, जहाँ पर मुसीबत होती है तो जानने या ना जानने वाले हर कोई जो है मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ यहाँ के इस केसी मार्केट के सभी दुकानदार भाई और बुजुर्ग मौजूद हैं, तो इनका भी प्रशासन से और महानगर पालिका से यही कहना है कि पानी आना अब फिलहाल की जो कंडीशन है उसमें ये तो अनिवार्य है, आएगा ही आएगा, लेकिन इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए या इसके इसके जो बहाव को जो है सही दिशा देने के लिए जो जरूरी कदम है, जो जरूरी ये मेजर्स उठाने हैं, वो महानगर पालिका को जल्द से जल्द करना चाहिए। क्योंकि अगर आज रात भी अगर बारिश होता है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है, स्थिति और बिगड़ सकती है। हमने भी देखा कि यहाँ पे काफी सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, दुकान में भी पानी घुसा है, तो दुकान में बेचने वेचने के भी सामान रखे हुए हैं, तो काफी नुकसान होने की भी आशंका है, हो चुका है। हाँ, बुक्स वगैरह जो है वो तो वेस्ट हो चुके हैं। तो इस समय केसी मार्केट के सभी दुकानदार लोग हमारे साथ खड़े हैं और उनके अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर, तो सभी की यही एक इच्छा है, गुहार है महानगर पालिका और दूसरे अधिकारियों से, मेयर साहब से, उपमेयर साहब से और यहाँ के जो स्थानीय कॉर्पोरेटर्स वगैरह हैं सभी से, कि इस काम को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाए और राहत पहुँचाई जाए और किसी तरह से जो है इस स्थिति को काबू में करने की जो है का प्रयास किया जाए, ताकि स्थिति जल्द से जल्द काबू में हो। मैं हूँ तौसीफ इकबाल, एस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस के साथ में। मेरे साथ हैं हमारे सीनियर एडिटर शकील अहमद। और अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए एस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस। धन्यवाद। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ,
ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ